पशुपालक भाइयों, मात्र 3 पशुओं से मैं महीने के 30 से 40,000 रुपए आसानी से कमा लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 पशु है जो दुधारू है। एक तो ये भैंस है, मुर्रा नस्ल की, ये दुधारू है। एक ये होलिस्टन गाय है, ये दुधारू है। और एक पीछे वो भैंस बंधी हुई है, ये दुधारू। यानी कि मेरे पास 3 दुधारू पशु है, 2 तो दुधारू भैंसे है और एक गाय है। दूसरे मेरे पास ये छोटे पशु है, बछड़े हैं और बछड़िया है। पशुपालक भाइयों, मात्र इन 3 दुधारू पशुओं से मैं 30 से 40,000 रुपये आसानी से कमा लेता हूँ। किस तरह से मैं कमाता हूँ, आपको डेयरी फार्म में किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आप आसानी से अच्छी कमाई कर सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पशुपालक भाइयों, डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसका पशुपालकों को ध्यान नहीं होता है। वो डेयरी फार्म पर पशुओं को अच्छा खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा मेंटेन करते हैं, पैसा भी बहुत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके पास कोई अच्छे नस्ल नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छी नस्ल नहीं है और वो नस्ल मात्र 3 से 4 लीटर तक दूध दे रही है, तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा डेयरी फार्म में। आप अगर अपने डेयरी फार्म पर भैंस है तो भैंस का दूध एक टाइम का 5 से लगाकर 7 लीटर होना चाहिए, दोनों टाइम का मिलाकर 10 से 15 लीटर तक दूध होना चाहिए भैंस का। अगर आपके पास गाय है तो गाय का दूध कम से कम 8 लीटर होना चाहिए एक टाइम का, दोनों टाइम का मिला के 15 से 16 लीटर दूध होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपका पशु इससे कम दूध दे रहा है तो आपका डेयरी फार्म घाटे में जाने वाला है और आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। डेयरी फार्म में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको लिमिटेड करना है, आपको अच्छी नस्ल लानी है, नस्ल में अच्छा पैसा लगाना है आपको, और अच्छा सोच समझ कर लाए, फालतू में पैसे बर्बाद ना करें। शेड देख सकते हैं, मैंने देसी तरीके से शेड बना रखा है, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं कर रखा है। मेरे पास स्टोर रूम पहले से था, उसमें मैं भूसा स्टोर कर देता हूँ, और चारे का खर्चा मेरे बहुत कम होता है, क्योंकि मैं जब सीज़न होता है तब गेहूँ के भूसे का स्टोर कर देता हूँ, जो मेरा सूखा चारा पूरे साल चलता है। हरा चारा मैंने मेरे खेत पर लगा रखा है, मैं खुद ही लेकर आ जाता हूँ हरा चारा, तो मेरे लेबर खर्च भी अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी तक 3 दुधारू पशु है, तो मैं अभी लेबर नहीं रख रहा हूँ। जब मेरे पास पशु बढ़कर 7 से 8 पशु हो जाएंगे तब मैं लेबर रखूँगा। अभी लेबर रखूँगा तो डेयरी फार्म में 7 से लगाकर 8,000 रुपये तो लेबर ले जाएगा, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, इस तरह आप खुद मेहनत करते हैं, अच्छी नस्ल रखते हैं, नस्ल का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको अवश्य अच्छी कमाई होगी। आपको सूखा चारा खिलाना है पशुओं को, सूखा चारा आप जब सीज़न हो तभी स्टोर कर ले। हरा चारा आपने खुद के खेत पर लगाए, जिससे आपको हरे चारे का खर्च ना आए। इसके अलावा आपके पास फीड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, पशुओं को अच्छा बाटा खिलाए, कपाशा खिला सकते हैं, खल खिला सकते हैं, उसके अलावा गेहूं का तथा जौ का और मक्के का दलिया आप खिला सकते हैं, जिससे आपके डेयरी फार्म में खर्चा भी कम होगा और आपके डेयरी फार्म में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। पशुपालक वीरों, अगर इस तरह आप अगर अपने पशुओं का मैनेजमेंट रखते हैं तो आपको अवश्य डेयरी फार्म में प्रॉफिट होगा। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट तो है, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। नॉलेज में एक आपको नस्ल का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा फीड का नॉलेज होना चाहिए कि आप पशुओं को क्या खिलाओगे, किस तरह आप मैनेजमेंट रखोगे, और तीसरी चीज़ आपको पशुओं में बीमारियों का ध्यान होना चाहिए कि पशुओं में कौन सी बीमारियाँ होती है और पशुओं को किस तरह बीमारियों से बचा सकते हैं, किस तरह डीवॉर्मिंग करनी है, इस तरह आप पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना है, जहाँ ज़्यादा आवश्यक हो वहीं इन्वेस्टमेंट करें, फालतू के पैसे डेयरी फार्म में ना लगाए। इस तरह अगर आप मैनेजमेंट करोगे, इस तरह ध्यान रखोगे, और सबसे बड़ी बात आपको दूध का कहाँ सेल करना है जिससे आपको ज़्यादा पैसा मिले, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पशुपालक भाइयों, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपको डेयरी फार्मिंग में अवश्य मुनाफा होगा, और आप मात्र 3 से 4 दुधारू पशु रखकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं, और आपको कहीं पर भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पशुपालक वीरों, डेयरी फार्म में मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन नौकरी से अच्छा है। सुबह 10 बजे से पहले हम फ्री हो जाते हैं डेयरी फार्मिंग के कामों को लेकर, और शाम को 4 बजे से लगाकर 7 बजे तक वापस फ्री हो जाते हैं। पूरा दिन हम फ्री रहते हैं दिन में, और सुबह और शाम को हमें काम करना पड़ता है। यानी कि डेयरी फार्मिंग नौकरी से 100 गुना अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पशुपालक भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी साइंटिफिक जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।